नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश की सियासी घटना आपको याद होगी, किस तरह से अरुणाचल प्रदेश की वजह से बीजेपी और जेडीयू के बीच जो तकरार है वो बढ़ गई थी, और विधानसभा चुनाव के ठीक बाद ऐसा लगा जैसे बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती बस टूट ही गई हो। दरअसल बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू को बड़ा झटका दिया था और जेडीयू के 6 विधायकों को अपने पाले में ले लिया था। जेडीयू एक तरह से जेडीयू को तोड़ दिया था। जेडीयू में बड़ी सेंधमारी बीजेपी ने कर दी थी और अरुणाचल के जेडीयू विधायकों को बीजेपी अपने पाले में ले आई थी। इसके बाद जेडीयू इस तरह से तिलमिलाई, इस तरह से नाराज हुई कि ऐसा लगा जैसे दोनों दलों के बीच के रिश्ते टूट गए हैं। सख्त लहजे में जेडीयू की ओर से बीजेपी को चेतावनी दी गई, लेकिन क्या अब भी सब कुछ ठीक हो गया है अरुणाचल में? इसकी वानगी आज देखने को मिली है। ऐसा लगता है जैसे अरुणाचल में बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और अरुणाचल में बीजेपी से ही जेडीयू की लड़ाई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेने आए अरुणाचल प्रदेश के कुछ नेताओं ने खुलकर कहा है कि हमारी लड़ाई, हमारी चुनौती वहाँ बीजेपी से ही है। हमने बातचीत की है अरुणाचल के, चूँकि वहाँ के जगहों के नाम वहाँ के थोड़ा दिक्कत है, इसलिए आप इस वीडियो में देखिए। अरुणाचल प्रदेश के एक जिले के जिलाध्यक्ष आए हुए थे और हमने उनसे बातचीत की, वो क्या कह रहे हैं। कहाँ से आए हैं? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से आए हैं और पार्टी के जेडीयू के जो नेता हैं वो देखिए सुदूर राज्यों से आए हैं। पार्टी को अरुणाचल प्रदेश में भी मजबूत करना है। जी सर, मजबूत है अरुणाचल प्रदेश। नहीं, बीजेपी ने तो अरुणाचल प्रदेश में सर सेंधमारी कर दी, 6 विधायकों को मिला लिया अपने में। वो तो है, जरूर मिला लिया है, तो भी हम लोग 24 को अच्छा ढंग से लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी आप जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं, हाँ जी, तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, पार्टी के बड़े नेताओं से, क्या आपका क्या एजेंडा है अरुणाचल को लेकर, क्या सलाह देंगे पार्टी को? उसको सर, मेरा प्रदेश का प्रेसिडेंट अभी आ रहा है, वो पीछे है जी, और हम लोग जितना डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है अभी, आप जिला अध्यक्ष हैं अरुणाचल? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम हुआ सर? मेरा जिला का नाम है लोअर सुबनसिरी। आपका क्या नाम हुआ? तहे तप्पा। अच्छा, तहे तप्पा जी, हाँ जी। आप आए हैं और अरुणाचल में जो चुनौतियां देखते हैं सांगठनिक मजबूती के लिहाज से, वो क्या है? ओ सर अभी के लिए तो क्या बोलेगा ना, अभी आगे देखते जाएगा। वहाँ बीजेपी ही चुनौती है क्योंकि एक बार बीजेपी झटका दे चुकी है। अभी बीजेपी चुनौती है। बीजेपी चुनौती है, हाँ। वहाँ लड़ाई बीजेपी से ही है। बीजेपी से ही है क्योंकि वो आगे भी झटका दे सकती है, ऐसी संभावना है? नहीं, ऐसे नहीं है। अगला बार हम लोग का जेडीयू भी आ सकता है, इसको आशा रखिए आप लोग। जेडीयू बदला ले सकती है। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश से भी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है सर? अरुणाचल प्रदेश से आ रहे हैं। मैं नंगराम तपू जी। और बीजेपी ने भी, बीजेपी ने जो वहाँ किया उसको लेकर ठीक मैसेज नहीं गया एनडीए के अंदर, चूंकि आपसे ये सवाल बनता है, आप अरुणाचल प्रदेश से आए हैं। जी सर, हम लोग तो यही सोचता है कि सेंटर में बीजेपी वाला हम लोग को अलायंस बना के रखा है, प्रदेश में अलायंस नहीं है। ये क्या सिस्टम से बनाया, इसके लिए हम लोग इसके बारे में हमारा प्रदेश का अध्यक्ष चर्चा करेगा अपना जो नेशनल प्रेसिडेंट का साथ ना। तो चलिए देखिए, साफ तौर पर अरुणाचल प्रदेश के जिले के जेडीयू जिलाध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई वहाँ बीजेपी से ही है, हमारी चुनौती वहाँ बीजेपी से ही है, और तमाम बातें अरुणाचल में पार्टी की क्या चुनौतियाँ हैं उस पर भी हमने बातचीत की है। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जेडीयू में सेंधमारी की, जेडीयू को अब भी डर है और जेडीयू अब भी सहमी हुई है उस सेंधमारी से, और कह सकते हैं कि जेडीयू यानी कि अरुणाचल प्रदेश जेडीयू ये मानती है कि बीजेपी से ही हमारी लड़ाई है, बीजेपी से ही हमारी चुनौती है। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।